वन है यार फायर अंदर से लाने का, वो है कि आप पहले तो एक अच्छी कंपनी में हो, ठीक है, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सराउंडिंग में जिनसे आप बात करते हो वो एक अच्छी कंपनी हो, वैसे बच्चे हो जो आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, सक्सेसफुल मतलब आपसे ज्यादा नंबर लाते हैं, आपसे अच्छा स्कोर करते हैं, उन बच्चों को अपना दोस्त बनाओ, ठीक है, क्योंकि जब आप उनको अपना दोस्त बनाते हो, आदमी का नेचर है कंपेयर करने का, मैं कैसा हूँ मेरा दोस्त कैसा है, तो आदमी का नेचर होता है कंपेयर करने का, तो जब आपके दोस्त एकदम अच्छे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, उनके अच्छे स्कोर आ रहे होंगे, तब आप में भी वो अंदर से आएगा यार कि मेरे को भी इनके साथ थोड़ा थोड़ा इनके साथ मैं भी इतना इतना इंक्रीज करूंगा। पर जब आपके दोस्त ही इकट्ठे हुए ना कि यार ये तो पढ़ता ही नहीं, ये साइकिल चलाता रहता है, ये पबजी खेलता रहता है, ये गेम खेलता रहता है, ये कुछ और करता है, तो आप भी स्लो डाउन हो जाओगे, चल यार ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप साइड में देखते हो यार कि लोग क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से ही आप एक्ट करते हो, थोड़ा बंदरों वाला हमारा नेचर होता है, नकल चीज़ होते हैं, जो साइड वाला कर रहा है वही हम करते हैं, तो कंपनी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप वन है दोस्त अच्छे करो, और उसके बाद स्टेप टू है थोड़े अवेयर हो, पूछो अपने आप से यार क्या मेरी औकात है, ठीक है, मेरी औकात क्या है, मुझे आज से 5 साल बाद क्या करना है, मेरे ड्रीम्स क्या है, जो मैं अभी कर रहा हूँ क्या उससे वहां तक पहुंच जाऊंगा, और पढ़ने में यार किसी को मजा नहीं आता, अगर आपको यूँ लगता हो कि पढ़ाई को लेके कोई यूँ होता हो, नहीं नहीं वो नहीं होता, 1000 में कोई 1-2 बच्चे होते होंगे यार जिन्हें पढ़ाई को लेके मतलब फील आती होगी, जैसे हमें मूवीज में फील आती है, नहीं, दिल पे पत्थर रख के, ठीक है, ऐसे यूँ पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, चाहे बिल्कुल मन ना हो बस पढ़ना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमारी एक नीड है, वो सोसाइटी ने एक स्ट्रक्चर बना रखा है कि जो अच्छा पढ़ेगा उसे उस हिसाब से वैसी वैसी जॉब्स मिलेंगी, तो बस उसको फॉलो करो, तो तब तक ले चलते हैं, सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय।